हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम मीनू है और जो वीरके के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे है कि 2 महीने से जिस सिस्टर के गले के में गिल्टी की प्रॉब्लम थी और जे बहुत परेशान थे, और जे 2 महीने से जे अंग्रेजी मेडिसिन खा रहे थे, और जे बताते कि जैसे ही मैं मेडिसिन खाती थी वो जो गले में गिल्टी थी उसके दर्द रुक जाती थी, और जैसे ही और जे मेडिसिन तो खा रहे थे और जे जब खाना खाते थे जब पानी पीते थे तो उस समय भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बहुत परेशान रहते थे। और जे सिस्टर संडे की मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में आए थे पिछले संडे, और उस दिन ऑयल मीटिंग थी, और जे सिस्टर ने जैसे ही ऑयल को लगाया, और जे सिस्टर बताते कि उस समय जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे कि जिसके भी गले में गिल्टी है और इनके अभी पहले बताओ गिल्टी इनसे पूछना एक ही थे और ज्यादा थी, एक ही के दो चार थी? एक ही थी, एक गिल्टी थी। ठीक है, ओके बताओ। और जैसे प्रभु के दास हीलिंग प्रेयर कर रहे थे और इनके लिए क्वेश्चन हुई कि किसी के गिल्टी की प्रॉब्लम है, तो जिस सिस्टर उस दिन फर्स्ट टाइम आए थे, और जिस सिस्टर बता रही कि ऐसे मैं पीछे खड़ी थी और मैं प्रार्थना कर रही थी कि आज मैं भी अच्छी हो जाऊंगी और मैं प्रार्थना करती हूँ, और ऐसे जो प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही प्रभु के दास के मुख से ऐसे घोषणा हुई, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। मैं किसी की गिल्टियों को गायब होते, उसके गले में गिल्टियां हैं, विश्वास करो मैं उसे गायब होते देख रहा हूं। मैं उन गिल्टियों को, आपके गले में गिल्टियां हैं, मैं उसे गायब होते देख रहा हूं। रिसीव करो वो आपकी गिल्टियों को, मैं गायब होते देख रहा हूं। आपके गले में गिल्टियां हैं, आपके ये वाले हिस्से में, ये गले के हिस्से में ये वाला हिस्सा है, ये छाती के पास गले वाला हिस्सा है, आपके गिल्टियां हैं। मैंने कहा आपके गिल्टियां हैं, खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, आप जो कोई भी हो। मैंने कहा खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, मैंने कहा आप जहां कहीं भी हो खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, और आप गवाही से आओगे। धन्यवाद करो और रिसीव करो। और जैसे ही जे सिस्टर प्रार्थना कर गए, और जे बता रहे कि जैसे अपने घर में गए, और रात को जे सिस्टर ने ऐसे चेक किया कि मेरी जो गिल्टी है बिल्कुल ही परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया है, और आज ये बता रहे कि बिल्कुल अभी दर्द भी नहीं होती, और परमेश्वर ने इनको अच्छा किया, और ये बहुत खुश है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस बड़ी गवाही को बनाया है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। और बताओ ये गिल्टी कितने साइज का, कितना था, कितनी बड़ी थी? उंगल जितनी सी भाई। नहीं ऐसे लंबी तो नहीं, ऐसे बताओ थोड़ा। हाँ नहीं, इतनी बड़ी मोटी थी? हाँ जी, इतनी बड़ी मोटी आपकी? हाँ। अच्छा, आपकी कोई पिक्चर थी इससे पहले, कोई अपने खींची थी? नहीं। ये प्रॉब्लम है। एक चीज नोट करना, जब भी किसी के ऊपर कोई कोई ऐसा कोई हालात हो तो उसकी पिक ऐसे फोटो उतार कर रखना, खींच कर, ताकि हम दूसरों लोगों को बता सकें कि सचमुच परमेश्वर जिंदा है, ये झूठ मूठ नहीं है, परमेश्वर सच्चा और जिंदा खुदा है। हाँ, अभी जिसके जीवन में हालात है वो कोई झूठ बोल सकता है? हाँ, ये इतनी बड़ी गिल्टी थी, छोटी नहीं। और उस दिन जब परमेश्वर के आत्मा ने इनके लिए घोषणा, हाँ मेरे मुंह से जब बोला परमेश्वर ने, और उसी दिन जब इन्होंने मन से उस बात को रिसीव किया, हो सकता और भी लोगों इसी सेम प्रॉब्लम के, पर जिस मन से इन्होंने विश्वास किया, रिसीव किया, हो सकता दूसरे ने ना किया हो, पर इन्होंने अगर किया तो खुदा के आत्मा ने इन्हें छुआ। उसी दिन आप चंगे हो गए कि कैसे? उसी दिन देखा था रात को। उसी दिन शाम को? हाँ जी। मतलब आप सुबह आप उठे, आपने चेक किया कि रात को? नहीं, रात को ही देखा था। अच्छा, रात को आपने देखा और वो गिल्टी नहीं थी? नहीं थी। सच में आपका परमेश्वर जीवित है, और वो सब कुछ करने की क्या रखता है? सामर्थ। इसलिए जोर से तारीफ करो, जोर से अपने हाथों को उठा कर, जोर से। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दें।